वेलकम टू एग्रीकल्चर नॉलेज फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, तो जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, इसका ऑप्शन सही होगा बी, बोस इंडिकस होता है। ठीक है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। अगर देसी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो उसे भी बोस इंडिकस ही कहेंगे। और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विदेशी गाय के जो वैज्ञानिक नाम होता है बोस टोरस होता है। ठीक है, विदेशी गाय या फिर जर्सी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टोरस। यहाँ पर ओविस एरीज है, तो ये जो भेड़ होती है उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, साइंटिफिक नेम जो भेड़ का होता है तो ओविस एरीज होता है। कैपरा हिरकस भी देख लेते हैं, तो कैपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस होता है। अगर साइंटिफिक नाम पूछा जाए गॉड का साइंटिफिक नेम, तो कैपरा हिरकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिनो भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? मैरिनो भेड़ का जन्म स्थान फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्पेन। मैरिनो भेड़ का जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो क्या है, तो स्पेन है। मैरिनो भेड़ का जन्म स्थान स्पेन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस संकर नस्ल की है? इसके ऑप्शन दिए मुर्रा और मेहसाना, नीली रावी और तोंडा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो मेहसाना भैंस है वो भैंस की संकर नस्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, संकर नस्ल होती है जो क्रॉस कराकर तैयार की जाती है। ठीक है, जो क्रॉस कराकर तैयार की जाती है उसे हम संकर नस्ल कहते हैं, तो मेहसाना जो है आपकी भैंस की संकर नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तीरी का गर्भकाल कितना होता है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा गंगा तीरी एक गाय की नस्ल है, तो उसका जो गर्भकाल होता है 280 दिन का होता है। ठीक है, 280 दिन का गंगा तीरी का होता है। गंगा तीरी गाय का गर्भकाल या फिर सामान्य गाय का गर्भकाल होता है 280 दिन। अगर पूछ लिया जाए भैंस का, तो फ्रेंड्स भैंस का होता है आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा भैंस के लिए, तो 310 दिन का गर्भकाल होता है भैंस में। ठीक है फ्रेंड्स, भैंस में 310 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटगोमरी जिला जन्म स्थान है, तो किसका जन्म स्थान है? तो मोंटगोमरी जिला, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साहिवाल जो गाय होती है, गाय की साहिवाल नस्ल है, तो इसका जो जन्म स्थान होता है मोंटगोमरी जिला। ठीक है, मोंटगोमरी जिला साहिवाल गाय का जन्म स्थान है। अगर ओरिजिन ना पूछा जाए तो साहिवाल गाय का ओरिजिन कहाँ है, तो मोंटगोमरी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति से मोयर प्राप्त होता है? मोयर जो होता है किस जाति से प्राप्त होता है? तो मोयर प्राप्त होता है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, अंगोरा नस्ल की जो एक बकरी होती है, बकरी की एक अंगोरा नस्ल है उससे मोयर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि मोयर किससे प्राप्त होता है, तो अंगोरा नस्ल की बकरी से मोयर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची किस जाति का मूल स्थान है? ठीक है, कराची किस जाति का मूल स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधी गाय का मूल स्थान कराची है। सिंधी गाय का मूल स्थान कहाँ है? कराची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, भदावरी भैंस की नस्ल जो है, भैंस की ऐसी नस्ल भदावरी है जिसमें जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, उसके दूध में फैट की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गे के मांस को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, मुर्गे के मांस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुर्गे के मांस को चिकन कहा जाता है। ठीक है, मुर्गे के मांस को चिकन। अब मटन पूछा जाए तो ये जो बकरे के मांस होता है उसे मटन कहा जाता है। ठीक है, बकरे के मांस को मटन कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है, यानी पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा, 20 होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है, पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल खरीदते समय उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? जो बैल होते हैं उनको खरीदते समय कितने आयु का होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है 10 महीना का, ऑप्शन बी है 1.5 वर्ष का, ऑप्शन सी है 2.5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष का। तो फ्रेंड्स, बैल जब हम खरीदने जाते हैं तो उसकी आयु कम से कम 4 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, 4 वर्ष तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बछड़े में बधियाकरण को क्या कहा जाता है? जो बछड़े में बधियाकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बधियाकरण कहते हैं, ठीक है, उसे बधियाकरण ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह रोधन जो कि डिहॉर्निंग किया जाता है में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? सिंह रोधन में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिस एक कास्टिक पोटास भी आता है जिसका प्रयोग करते हैं, इसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं, उसका प्रयोग सिंह रोधन में किया जाता है। सिंह रोधन के जो होते हैं, जब सिंह रोधन कार्य किया जाता है तो छोटे उम्र के पशु पशुओं पर ही किया जाता है, मतलब अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 किलोग्राम भार वाली भैंस को प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की मात्रा चाहिए, तो कितना चाहिए? तो आपको पता होगा कि अगर 100 किलो भार वाली अगर कोई पशु है तो उसको हम देते हैं, ठीक है, उसको हम देते हैं 3 किलोग्राम। तो 600 किलोग्राम भार वाली के लिए हो गया 18 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 किलोग्राम देते हैं शुष्क पदार्थ की मात्रा 600 किलोग्राम भार वाली भैंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खली सर्वोत्तम किस्म की है? तो सर्वोत्तम कौन सी होती है? ऑप्शन दी है सरसों, ऑप्शन नंबर बी है तिल, ऑप्शन नंबर सी है बिनौला, ऑप्शन नंबर डी है अलसी। तो अलसी जो होती है फ्रेंड्स, अलसी की जो खली होती है सर्वोत्तम होती है, मतलब इसमें लगभग लगभग जो पशुओं के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है इसमें अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो अलसी की जो खली होती है सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी को तीसी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीले चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो रसीले चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20 से लेकर 30% के बीच में। ठीक है, 20 से लेकर 30% के बीच में रसीले चारे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के अयन को धोने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? गाय के अयन को धोने के लिए फ्रेंड्स पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, गाय के अयन को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुशाला में पशुओं को बांधने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पशुओं को बांधने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंछ से पूंछ वाली मेथड। ठीक है, पूंछ से पूंछ वाली मेथड पशुशाला में पशुओं को बांधने की सर्वोत्तम मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुशाला में पशुओं को बांधने के लिए नाद की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो पशुशाला में पशुओं को बांधने के लिए नाद की चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम 2.5 फीट। ठीक है, 2.5 फीट की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुशाला को धोने के लिए कौन से रोगाणुनाशक का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल का प्रयोग पशुशाला में पशुशाला को धोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दोहने की प्रक्रिया कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मिनट में। दूध जो दूध उतारने के लिए उसके थन में एक रसायन प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी दही में अम्लता की मात्रा कितनी होती है? तो मीठी दही में अम्लता की मात्रा होती है 0.70%। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध में अम्लता की मात्रा कितनी होती है? तो ताजे दूध में अम्लता की मात्रा होती है 0.11 से 0.14% के बीच में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.11 से 0.14% तक होती है ताजे दूध में, इससे अधिक अम्लता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? गाय के शरीर का तापमान होता है, तो इसका सही जवाब होगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी होने का कारण क्या है? तो पशुओं में जो खुरपका मुंहपका बीमारी होती है वो विषाणु द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, विषाणु द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड सभी ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही प्रकार के वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हम पूछ रहे हैं, रानी खेत जो बीमारी होती है, रानी खेत बीमारी किस में लगती है? रानी खेत बीमारी, रानी खेत बीमारी किस में लगती है? आपको ऑप्शन दे देते हैं, एक भैंस, गाय, मुर्गी एंड बकरी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।